इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नितिन जैन और उनकी वाइफ मनी जैन। नितिन जैन जिन्होंने की अपनी शुरुआत जो है नवरत्ना फाउंडेशन से की थी और आज उनकी जो है यहाँ पे फिल्म दिखाई गई है, जो उन्होंने पोस्ट वेडिंग फिल्म बनाई है वो दिखाई गई है। सर सबसे पहले तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको यहाँ पर नवरत्ना फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित भी किया गया और आज आपकी फिल्म भी जो है यहाँ पर उसकी भी स्क्रीनिंग की गई है, सर तो कुछ क्या कहना चाहेंगे? वेल, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ नवरत्न फाउंडेशन का। लाइक इट्स बीन एन ऑनर फॉर मी टू रिसीव दिस नवरत्न अवार्ड फ्रॉम सच अ रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कम से कम अगर मैं पोस्ट वेडिंग शूट की बात करूँ तो इट वाज नॉट पॉसिबल लाइक मेरी वाइफ के बिना, मनी के बिना, इसके सपोर्ट के बिना। और जहाँ तक नवरत्न का सवाल है, एज़ द नेम सजेस्ट नवरत्न, ये लोग नए नए रत्नों को उभरने का मौका देते हैं, इन लोगों का तो सिर्फ नाम ही काफ़ी है। तो सबसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपने यहाँ पे बात की पोस्ट वेडिंग शूट की, हमने प्री वेडिंग शूट सुना है, तो ये पोस्ट वेडिंग शूट कैसे आइडिया कैसे आया आप दोनों के? वेल एक्चुअली क्या था कि हम लोगों को सिर्फ एक आइडिया आया था और मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया कि यार हम लोगों की मैरिज हो गई है और हम लोगों को टाइम के चलते इतना समय नहीं मिल पाया काम के चलते कि हम लोग अपना कोई प्री वेडिंग शूट बना पाएँ। देन इसने ही मुझे इंस्पायर किया, इसने ही मुझे कहा कि सो व्हाट, अगर हमारा प्री वेडिंग नहीं हो पाया है तो हम अभी क्यों नहीं कर सकते, ठीक है कुछ साल हो गए हैं, सो व्हाट, हम प्री वेडिंग नहीं कर पाए तो हम पोस्ट वेडिंग तो कर ही सकते हैं ना। तो वहाँ से एकदम ये आइडिया उजागर हुआ और हम लोगों ने प्लान किया कि ठीक है, जैसे लोग प्री वेडिंग कराते हैं वैसे हम पोस्ट वेडिंग कराते हैं अपनी, ताकि जितने भी कपल्स हैं जिनका किसी भी रीज़न से प्री वेडिंग नहीं हो पाया है वो निराश ना हो, एटलीस्ट दे कैन डू पोस्ट वेडिंग लाइक वी डज। मनी, आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किए ऋषिकेश में ठंड के टाइम में, कैसा एक्सपीरियंस रहा ना पहाड़ों के बीच में, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऋषिकेश इज़ अ सच अ वेरी नाइस प्लेस और मैं बहुत बार ऋषिकेश जा चुकी हूँ, बट इस बार जब मैं अपने हस्बैंड के साथ ऋषिकेश गई थी उसका मज़ा ही कुछ और था, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ गए हो और उसमें हमने पोस्ट वेडिंग शूट किया। थोड़ी ठंड थी लेकिन वो पल जो होता है वो एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब उसका हस्बैंड या उसका चाहने वाला या उसका कोई केयर करने वाला उसके साथ हो और आप उसके साथ वो प्यारे प्यारे पल बिताएँ, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए और जो मन में है वो कर डालिए। पूरा गाना जो एक तरीके से शूट किया है, तो क्या हम इसको यूट्यूब पे भी रिलीज होता देखेंगे या फिर ये सिर्फ आपके पर्सनल के लिए है? नहीं नहीं, ये यूट्यूब पे ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे सिर्फ इतना डाल दें, नितिन एंड मनी पोस्ट वेडिंग, सिर्फ इतना अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले पेज पे सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा ही वीडियो आप देखेंगे। तो और अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि नवरत्ना फाउंडेशन जिस तरीके से इस तरीके के इनिशिएटिव लेता है, जो जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको मौका देता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि नवरत्ना जो काम कर रहा है उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें? वेल, पहली बात तो ये गॉड गिफ्ट होता है बेसिकली, ये जो कला है जो मुझ में है और मेरे जैसे कई सारे लोगों में, कपल्स में इस तरह की कला है, तो ये तो सिर्फ एक कला है, पर इसे एक स्टैचू का शेप देने का काम, एक मूर्ति का शेप देने का काम नवरत्न जैसी फाउंडेशंस ही करती हैं। एंड इट्स रियली वेरी नाइस कि नॉट ओनली इन नोएडा बट इन दी एंटायर NCR नवरत्न ने एक अपना माइलस्टोन सेट किया है और ये जेन्युइनली नए नए कलाकारों को आगे आने का, बढ़ने का और उभरने का मौका देते हैं। इट्स रियली ट्रू। नितिन, उम्मीद करते हैं कि आपका जो गाना है वो यूट्यूब पे बहुत बड़ा हिट साबित हो और 10 न्यूज़ से बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सच अ नाइस डिस्कशन वी हैड एंड रियली आई एम स्टिल आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, सो नाइस ऑफ यू।